इस व्यक्ति की कहानी किसी खतरनाक एडवेंचर से कम नहीं है। मैक्सिको का रहने वाला 37 वर्षीय जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा मछली पकड़ने के दौरान तूफान आने पर समंदर में भटक गया और वह 438 दिनों तक अपनी नौका के साथ समंदर में ही रहा और वो मेंढक और पक्षी खाकर जिंदा रहा। अब दोस्तों आप कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी हादसे का शिकार हो गए हैं और कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां आपका अपना कोई नहीं है। आपके पास न खाने के लिए खाना है और न ही वापस आने की कोई उम्मीद। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह मात्र आपकी एक कल्पना भर है। दोस्तों 17 नवंबर 2012 यही वह तारीख है। अल्वारेंगा मैक्सिको के गांव से निकला और गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने उतर गया। इस यात्रा में उसके साथ उसका एक साथी भी था। मछलियों को पकड़ने में अल्वारेंगा जितनी महारत उसे हासिल नहीं थी, मगर वो खुद को निखार रहा था। अल्वारेंगा की योजना के हिसाब से उसकी यह यात्रा करीब एक दिन तक चलने वाली थी और इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेल्फिश मछलियों को पकड़ने का उनका प्लान था। सब कुछ योजना के अनुसार ही शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान ने अपनी दस्तक दे दी। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण उसे खतरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके भी वो अपने सिंगल इंजन वाली बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा और यही रिस्क उसे भारी पड़ गया। वो 5 दिन का तूफान उसे अपने साथ बहुत दूर ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था उसकी भी बैटरी खत्म हो जाती है और वो भी बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसके बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। नाव को स्पीड में चलाने के लिए उन्होंने बोट का वजन कम करने के लिए 500 किलोग्राम वजन के बराबर की अपनी सारी मछलियों को फेंक दिया। अब उनके पास न तो खाने के लिए राशन था और न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका। खुले समुद्र में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी। अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने नंगे हाथों से समुद्र में मछलियां, कछुए और समुद्री पक्षी पकड़ते और उनका कच्चा मांस ही खा लेते। पीने के लिए उन्होंने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उन्होंने कछुओं का खून और अपना मूत्र तक पिया। करीब 4 महीने के बाद सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और उसकी मौत भूखमरी से हो गई। मगर सल्वाडोर ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। सल्वाडोर अपनी शुरुआती बिंदु से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर सल्वाडोर ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आगे आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाजों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का अपना साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 438 नारकीय दिनों के बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैर कर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह आज जमीन पर था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता है, वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जल्दी ही वहां के स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे, उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, वो मुश्किल से चल भी पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे, लिहाजा उन्होंने लगा कि सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने बर्बरता की है, जबकि सच कुछ और ही था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सच्चाई के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी ने उसे मृत मान लिया था। सबसे ज्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी 14 साल की बेटी फातिमा को हुई। यह कहानी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौटकर अपने घर आया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी ना होने के बावजूद भी सल्वाडोर 400 दिनों तक अकेले बिना खाए पिए समुद्र में गुजार लिए। जब आप किसी उम्मीद को छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आपका मकसद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए कुछ मिले या ना मिले लेकिन उम्मीद जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद है तो सब कुछ है,
बिना उम्मीद के कुछ भी नहीं है। डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं कि कोई भी मरीज तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसके अंदर खुद को बचाने की उम्मीद हो, क्योंकि बिना खाने, बिना पीने, बिना हवा के हम जरूर जिंदा रह सकते हैं, चाहे कुछ ही समय के लिए ही क्यों न सही, लेकिन बिना उम्मीद के तो हम पल भर भी जिंदा नहीं रह सकते हैं।